बिजनौर में सरेआम तमंचे के बल पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने शहर की पॉश कॉलोनी भरत विहार में रंजीत सिंह सैनी के मकान में घुसकर उनके मासूम बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। वकील साहब के घर से बदमाश सोने चांदी की ज्वेलरी और 50,000 की नकदी सहित लाखों की लूट कर फरार हुए हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश में है। दिन दहाड़े हुई इस लूट ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। सीओ साहब, भरत विहार में एक लूट हुई है, क्या मामला पूरा? ये भी सूचना मिली थी, ये वकील साहब है रंजीत सिंह, इनकी पत्नी मीनाक्षी और इनकी बेटी घर में अकेली थी। उसी समय इनका बताना है कि एक मोटरसाइकिल से तीन अज्ञात व्यक्ति आए, गेट के पास एक खड़ी थी, घर का गेट और दरवाज़ा खुला हुआ था। इन लोगों ने इनको धमका करके और तमंचा दिखा करके इनसे नकद पैसे और सोने की चेन इनकी छीन ली। इस अभी सूचना प्राप्त हुई है, इस पर अभी तहरीर लेकर के आगे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या तीन लोग संदिग्ध पकड़े हुए हैं, हो सकता है उनमें हो? अभी तो चेकिंग के लिए आदेश किया गया था, जो कहीं भी तीन सवारी मोटरसाइकिल पर संदिग्ध दिख रही हैं उनको रोक करके पूछताछ की जा रही, जानकारी की जा रही है। कोतवाली में जो भी संदिग्ध लाए जा रहे हैं उनसे इनको शिनाख्त करा के आगे कार्रवाई की जा रही है। आपका? मीनाक्षी, क्या मामला हुआ पूरा बताओ जरा। ये वाला गेट बंद कर रखा था, मैंने हाथ से खोल गए, अंदर गए, मैं बैक पे टीवी देख रही थी और बस जैसे अंदर वाले गेट पे पहुंचे उन्होंने एकदम से गन निकाल ली। अब आते ही उन्होंने पहले तो मेरे कुंडल निकाले, कह रहे अनुभव कहता मैं फिर ये लड़की चली गई मेरी, इसके लगा दी रिवॉल्वर, तो ऐसे बोला नहीं से खत्म कर देंगे, नहीं तो सब सामान दे जो जो तेरे घर में रखा। क्या क्या ले गए और क्या क्या ले गए? मैं दो जोड़ी चैन थे, एक सोने की चैन थी इसके पापा की, 50,000 रुपये रखे थे और बिछुए छुए सब ले गए, कुंडल भी ले गए। आपको किसी कमरे में बंद कर गए? लैटिन में बंद कर गए थे मुझे। तो फिर आपने शोर मचाया क्या कुछ? शोर मचा रही थी, बाहर आवाज नहीं आती, मैंने फिर किवाड़ वासी आगे पीछे करा, खुला वो से कुंडा, खुला वो खुला, जो कुंडा उंदा टूटा जो भी हुआ देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ पहचान लूंगी मैंने।